नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल सभी लोग अमीर बनने में काफी लगे हुए हैं। ऐसे में अमीर बनने के लिए खूब मेहनत करनी होती है, लेकिन कुछ जो टोटके होते हैं, सरल उपाय होते हैं, ये धन प्राप्ति करने में हमें हमारे काफी मदद करते हैं। हम इन उपाय को अपना करके अपने भाग्य उदय कर सकते हैं। टोने टोटके को कभी भी गलत रूप में नहीं लेना चाहिए। टोटके का प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता। अगर सही तरीके से काम किया जाए, सच्चे मन से अगर प्रयोग किया जाए, तो ये 100% काम करते हैं। बस काम करने वाले को सच्चे मन से यह उपाय एक बार अजमा करके देखना है, निश्चित रूप से भाग्य उदय हो जाएंगे। वैसे मेरे वीडियो के टाइटल थंबनेल में देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाला हूं। तो जी हां, लौंग के टोटके आपको बना सकते हैं माला माल। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। थोड़ी भी जानकारी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहले नंबर पे मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, अमीर बनने के लिए कच्ची घनी के तेल में, जो कच्ची घनी होता है, इसके तेल में आपको दीपक जलाना है। और दीपक जला करके आपको इसमें दो लौंग डाल देना और हनुमान जी की आरती करना है। हनुमान जी की आप चाहते हैं तो चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसे अनिष्ट दूर होता है और धन अचानक से प्राप्ति होती है। अचानक से आपको पैसों का गिरा हुआ बैग मिल सकते हैं, अचानक से आपको कहीं ना कहीं से धन मिल सकते हैं, ऐसा हमारे तंत्र शास्त्रों में लिखा है। दूसरे नंबर पे है, अगर आप धन संबंधी कार्य में सफलता चाहते हैं तो एक नींबू लेना और उसके ऊपर चार लौंग आपको गाड़ देना है और ओम श्री हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 21 बार आपको जाप करना है। फिर उस लौंग को और नींबू को साथ ही रख लेना है और आपको ऐसा करके आपको जो है बहते हुए जल हैं या फिर किसी मंदिर में जा करके चढ़ा देना है। तो इससे क्या होता है, अचानक धन की प्राप्ति होती है, इच्छा की पूर्ति होती है। चलिए तीसरा उपाय बताना चाहूँगा, अगर आप धन संबंधी कोई कार्य आपकी जो है हो नहीं पा रहे, उसमें बार बार अवरोध आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो इसके लिए आपको लेना है कपूर और एक फूल वाला लौंग। इसे जला करके 3 से 4 दिन में आपको इसे जलाना है और थोड़ी थोड़ी से खा लेना है, तो आपको लाभ मिलेंगे। धन कार्य में जो आपकी परेशानी आ रही है वह परेशानी दूर हो जाएंगे। इसके बाद चौथा प्रयोग है, अगर आपको पैसे पैसा चाहिए तो एक दीपक ले, उसमें 7 से 8 लौंग आपको डाल देना और शनिवार की शाम को घर के किसी कोने में रख करके जला देना। आप ऐसा आप चाहते हो तो 7 से 8 लौंग लेना और आपको करना क्या है, एक छोटा सा खप्पड़ ले लेना या फिर मिट्टी ले लेना जिसमें ये डालते बन जाए। फिर 7 से 8 लौंग को जो पीपल के वृक्ष होते हैं इसके नीचे आपको जला देना है। तो 7 शनिवार लगातार ऐसा करना है, इससे जो है अचानक से धन की प्राप्ति होती है, शनिदेव हमारे मदद करते हैं। अंतिम उपाय बताना चाहूँगा, अगर आपको धन की वर्षा चाहिए तो सुबह पूजा के बाद जो आप आरती करते हैं ना, तो दीपक में 2 लौंग डाल करके आपको आरती करना है, फूल वाला लौंग होना चाहिए। और आरती करके जो दीपक जलेंगे, तो इसके जो दीपक जलने के बाद जो बत्ती जलते हैं पूरी तरह से, जो काले काले बत्ती जल जाते हैं, राख हो जाते हैं, तो इसे रख करके आपको पैकेट में आपको फोल्ड करके रख लेना है, इसे कागज़ में फोल्ड करके रख लेना है और अपने पर्स में रखना है, धन वाले पेटी में रखना है। तो इससे भी कहा जाए तो काफ़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ आज मैं आप लोगों को जो छोटे से जानकारी बताया हूँ, ये आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।